हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दिवाकर पे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ गुरु नानक कॉलेज धनबाद में आपको इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कैसे करनी है। जीएन कॉलेज में आपको अप्लाई कैसे करनी है, मैं आपको पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करनी है। गूगल में जाकर आपको क्या करना है, जीएन कॉलेज सर्च कर लेना है। जैसे आपने जीएन कॉलेज सर्च करेंगे, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको मिल जाएगी, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जीएन कॉलेज धनबाद झारखंड के लिए आपको है, उसमें आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको पूरी इस कॉलेज की डिटेल आपको मिलेगी, उसकी इमेज मिलेगी, बहुत सारे इमेज अपलोड किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नोटिस जो, यदि आपको नोटिस पढ़ना है कॉलेज के डिटेल के बारे में, आपकी पूरी जानकारी चाहिए कि इंटरमीडिएट में क्या क्या प्रोसेस करना है, आपको कैसे अप्लाई करनी है, तो पूरी डिटेल की आपको क्या क्या यहाँ पर PDF जो है अपलोड कर दिया गया है इस कॉलेज की तरफ से। आपको देखिए यहाँ पर 21 से 23 के लिए है इंटरमीडिएट एडमिशन के लिए, आपको देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी। इंटरमीडिएट IA और ICOM के लिए है, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यह है 5 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया, 23 को आपका लास्ट हो जाएगी, एंड हो जाएगी, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान रखें इस बात को कि आपको 23 तक आपको क्या करना है, अप्लाई कर लेनी है। जो भी स्टूडेंट इसमें जीएन कॉलेज गुरु नानक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या करना है आपको, 23 से पहले आपको अप्लाई कर लेनी है, अपनी अप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो सबमिट कर लेना है, नहीं तो बाद में आपको नहीं होगी। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, 23 से पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर लेनी है, बाद में आपकी नहीं होगी, इसलिए 23 से पहले आपको कर लेना है। देखिए 192 सीटें जो आपको सीट्स दिया गया है, कॉमर्स के लिए 192 है, और इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए भी आपको 192 सीट्स जो है आपको दिया गया है, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, अपनी जो है पूरी डिटेल्स को सबमिट करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको कॉलेज में सबमिट करने, देखिए यहाँ पे आपको देखिए ऑल 110 रुपीज़ का जो पेमेंट स्लिप होगा वो आपको सबमिट करनी है, उसके बाद SLC आपको जो ऑरिजिनल सबमिट करनी है, उसके बाद मार्कशीट है, एंड एडमिट कार्ड जो है आपको सबमिट करना है कॉलेज पे। दूसरी बात जो है, आप यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट, आप यदि OBC ST SC में हैं तो क्या करना है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि आप ST SC कैटेगरी में हैं तो क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट को भी आपको हार्ड कॉपी जमा करना है कॉलेज पे। देखिए यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस जो दिया गया है कि आपको कैसे पेमेंट करना है, 110 रुपीज़ की जो है आपको पेमेंट करनी है, और ये पूरी ऑनलाइन प्रोसेस जो आपको दिख रहा होगा। देखिए आपको अब अप्लाई कैसे करनी है, ऑनलाइन आपको अप्लाई कैसे करनी है, देखिए यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई एडमिशन इंटरमीडिएट के लिए। देखिए यहाँ पे अब आ गया आपको, यदि आप आर्ट्स में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आर्ट्स का ऑप्शन दिया गया, और कॉमर्स में करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉमर्स का ऑप्शन दिया गया है। आपको यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट तो आर्ट्स पर क्लिक करना है, और कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है, कॉमर्स पर करना है। दोनों के एप्लीकेशन प्रोसेस जो वो सेम है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि आर्ट्स में है तो आर्ट्स पे क्लिक करना है, कॉमर्स में तो क्लिक कॉमर्स पे करें। दोनों की एप्लीकेशन प्रोसेस जो वो सेम है, इसलिए कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपके प्रोसेस जो है वो सेम टू सेम है, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो। चलिए मैं आपको देखिए यहाँ पर आप एप्लीकेशन दिया है IA एडमिशन, तो आपको क्या ना इंटरमीडिएट के लिए एप्लीकेशन करना है आर्ट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपको अपना सिलेक्शन कर लेना है, मेल है फीमेल है, फीमेल है तो फीमेल करना है, मेल है तो मेल करना है। एप्लीकेशन डिटेल जो है पूरी कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया ऑप्शन, फादर्स नेम का, तो आपको क्या करना है, अपना फादर्स नेम जो है टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको मदर्स नेम, आपको अपना मदर्स नेम टाइप कर लेना है। ध्यान रखें email ID और मोबाइल नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। आपकी पूरी डिटेल सबमिट करना है वो करेक्ट करना है, इसलिए ध्यान रखें जो भी आपने टाइप कर रहे हैं उस चीज़ पर बहुत गौर से ध्यान रखना है, टाइप करना है। कि यहाँ पे आपको क्या गया ऑप्शन दिया गया, आधार कार्ड नंबर, आपको क्या करना है, आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको पता है ब्लड ग्रुप क्या है तो आपको क्या करना है, अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, नहीं पता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब आता है आपको रिलीजन क्या, आपको अपना सेलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपके ऑप्शन जो रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में हो, ST SC OBC या जनरल, जनरल है तो जनरल पे क्लिक करें, OBC तो OBC पे करें, जनरल है और आपकी ST है तो ST पे करें। देखिए यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दिया गया है, यदि आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आपको दोनों क्या करना है, एक डालने के बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है। आपको अपनी पूरी डिटेल जो है क्या करना है, आपको फिल कर लेना है। तो आपको जो भी परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस है आपको क्या करना है, फिल कर लेना है। यदि आपकी सेम है तो चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेना है। चेकबॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्कूल नेम, अपने लास्ट जो है 10th आपने कौन सी क्लास में कौन सी स्कूल से पास किए हैं वो डिटेल चाहिए आपको, और आप कौन सी ईयर में पास किए हैं, डिवीज़न क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है,
जो भी है या पास है, आपको अपनी जो है डिवीज़न वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आती है बारी आपकी परसेंटेज, आपकी कितनी परसेंट जो है वो टेंथ क्लास में आई हुई थी। अब क्या करना है आपको जो है वो आपको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आर्ट्स के लिए रखने वाले अपने सब्जेक्ट में, इस चीज़ को ध्यान रखना था कि यहाँ पे सब्जेक्ट में है। आपने पहला सेलेक्ट करना है हिंदी, दूसरी आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, इलेक्टिव लैंग्वेज हो जाएगी आपकी इंग्लिश, दूसरी है आपके जो जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, आप पढ़ने के लिए आप जो इच्छुक है उस सब्जेक्ट को क्या करना है सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ऑप्शन थर्ड में देखिए इकोनॉमिक्स है, और चौथा आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तीन सब्जेक्ट इधर हो गया, दो उधर हो गया, टोटल पांच सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है कि आपको कौन कौन सी कौन से कैंपस में सिलेक्शन करना है। आप बुधा कैंपस में लेना है चाहते हैं, यदि आप गर्ल्स हैं तो इसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि आप सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स हैं तो आपको क्या करना है बैंक मोड वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है, गर्ल्स वाले गर्ल्स विंग पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब क्या करना है आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करनी है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया फ़ोटो, आपको फ़ोटो जो है वो JPG साइज पे आपको क्या करना है अपलोड करना है। दूसरी वाली में आपकी सिलेक्शन जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है ई सिग्नेचर के लिए, तीसरी वाली में आपको जो है एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया, चौथी वाली जो है आपकी मार्कशीट है। तो टेंथ वाली डिटेल को पूरा अपलोड करना है फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ। आपको पहला जो है आपको फ़ोटोस अपलोड करनी है, दूसरी वाली में आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है, तीसरी वाली में आपको एडमिट कार्ड अपलोड करनी है, चौथी वाली में आपको जो है मार्कशीट अपलोड करनी है। अपलोड होने के बाद आपको परव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन जो है खुल जाएगी, 110 का पेमेंट जो है आपको करनी है। इसके बाद